बीरबल की बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और सूझबूझ ने ही उन्हें बादशाह अकबर का प्रिय बना दिया था। तो दूसरी ओर बीरबल की लोकप्रियता ने दरबारियों के मन में उनके प्रति ईर्ष्या का भाव पैदा कर दिया था। वे सदैव ऐसे अवसरों की तलाश में रहते थे जब वे बादशाह के कान भर सकें और उन्हें नीचा दिखा सकें। एक रोज बीरबल दरबार में नहीं आए। बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने का अवसर दरबारियों को मिल गया। सभी ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक यह नहीं आया है जहांपनाह कि हम लोगों में क्या कमी है। बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है जबकि यहाँ उससे कहीं अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। बादशाह अकबर मौन रहे, वे चुपचाप सुनते रहे। उन्हें उपेक्षा के भाव से मुस्कुराते देखकर उनमें से लीडर बने एक मौलाना साहब ने बोला, मान करते हुए कहा, हम सभी इस फर्क को जानने की इच्छा रखते हैं जहांपनाह। सभी एक साथ बोले, अच्छा, फर्क जानना चाहते हो? हाँ हुजूर, फर्क दिखाया जाएगा। इस समय बीरबल के पास सूचना भेज दो कि वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहे, दरबार में ना आए। तुम लोगों में जो सबसे चतुर है वह उनके स्थान पर काम करे, उनकी कुर्सी पर विराजमान हो। इस 1 सप्ताह में हम फर्क का एहसास करा देंगे। सभी दरबारियों की खुशी का ठिकाना न रहा। आपस में सलाह कर उन्होंने अपने में सबसे चतुर विद्वान तथा पढ़े लिखे मौलाना को बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया। बीरबल को 1 सप्ताह के लिए छुट्टी दे दी गई। बादशाह इम्तिहान लेने का उचित अवसर और विषय तलाश करते रहे। दिन व्यतीत होते गए। 1 सप्ताह खत्म होने को आ गया। 6ठा दिन था। बादशाह ने दरबारियों को एकत्र कर उनके द्वारा चुने गए उस चतुर मौलाना से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चों की सी आवाजें आती रहती हैं। देख कर आओ माजरा क्या है। बहुत अच्छा हुजूर, कहकर मौलाना साहब चले गए। थोड़ी देर बाद लौटे। कुतिया ने बच्चे दिए हैं हुजूर, वे ही कूं-कूं करते रहते हैं। कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मैंने तो नहीं गिने। जाओ गिन कर आओ। मौलाना आज्ञा पाकर दोबारा गए और थोड़ी देर बाद लौट आए। आते ही बोले, जहांपनाह 5 बच्चे दिए हैं कुतिया ने, मैं स्वयं गिन कर आया हूँ। गिन आए? जी हाँ। अच्छा, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, फिर तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर हैं और कितने मादा हैं। मौलाना चकरा गए, हुजूर यह तो देखा नहीं। देख कर आओ। मौलाना तीसरी बार गए और यह देख कर आए कि बच्चों में कितने नर हैं और कितनी मादा। हुजूर, 2 नर हैं और 3 मादा। अच्छा, जो नर हैं उनके रंग कैसे कैसे हैं? जी, मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं। जी, जहां तक याद है उनमें से 1 तो काला है, 1 शायद भूरा। जरा मैं एक बार देख आता हूँ। और मौलाना साहब 4थी बार गए, आकर बताया कि 1 नर काला सफेद है और दूसरा बादामी। मादाओं में से 2 काली और 1 बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। मौलाना बैठ गए। अब बीरबल को यहां बुलवाया जाए। बीरबल आ गए। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर अभी तो 1 दिन और बाकी है, मैं परसों अपने आप ही आ जाता। जरूरी काम है। हुक्म कीजिए जहांपनाह। हमारे महल के पिछले भाग में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कभी कुतिया के भौंकने की,
कभी कुतिया के बच्चों की कूकू तो कभी गुर्राने की। देख कर आओ माजरा क्या है, जरा जल्दी लौटना। अच्छा जहां पना, बीरबल चले गए। बीरबल जब लौटे तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या माजरा है? कुतिया ने बच्चे दिए हैं, 5 बच्चे हैं, वे सब कूकू करते हैं। कुतिया गुर्राती या भौंकती रही होगी रात को, कोई बात नहीं है वहां। उनमें से नरमादा कितने हैं? बादशाह ने पूछा। 2 नर, 3 मादा। रंग किस प्रकार का है? एक नर काला सफेद, दूसरा बादामी। मादा 2 काली और 1 बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने पर गर्व किया कि उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला है जो उनके साथ रहता है। अब तुम लोग समझ गए होंगे कि तुम में और बीरबल में क्या फर्क है, क्यों मौलाना? जी, मौलाना का सिर झुक गया।